अजमेर जिले के मार्बल सिटी किशनगढ़ में घर के बाहर खड़ी तीन बाइकों में पेट्रोल डाल अज्ञात युवक ने आग लगा दी। तेज धमाके के साथ लगी आग से क्षेत्र में दहशत का माहौल हो गया। घटना हाउसिंग बोर्ड क्षेत्र की है, जहां किराना व्यापारी मोहित गर्ग के घर के बाहर तीन बाइक खड़ी थी। अज्ञात युवक देर रात पेट्रोल की दो बोतल लेकर पहुंचा और बाइक पे पेट्रोल डाल बाइक में आग लगा दी। घटना मकान के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसमें एक युवक नजर आ रहा है। मदनगंज थाना पुलिस मामले की जांच कर रही है। के अनुसार पीड़ित हाउसिंग बोर्ड निवासी किराना व्यापारी महेंद्र अग्रवाल के घर के बाहर तीन बाइक खड़ी थी। देर रात करीब 2 बजे एक युवक पेट्रोल की दो बोतल लेकर पहुंचा और बाइक में आग लगाकर फरार हो गया। पीड़ित ने मामले की शिकायत मदनगंज थाना पुलिस को दी। मौके पर पहुंची मदनगंज थाना पुलिस ने घटनास्थल का मौका मुआयना किया और सीसीटीवी कैमरे की रिकॉर्डिंग के आधार पर जांच में जुट गई। हाउसिंग बोर्ड में कुछ दिन पूर्व भी नगर परिषद के पूर्व उपसभापति राजू बाहेती के घर के बाहर खड़ी बाइक को भी आग के हवाले कर दिया गया। बदमाशों के आतंक के चलते क्षेत्र में दहशत का माहौल है। किशनगढ़ विधायक सुरेश टाक का आवास भी हाउसिंग बोर्ड क्षेत्र में है। लगातार हो रही चोरी की घटनाओं व इस तरह की घटनाओं से क्षेत्र में दहशत का माहौल है। पुलिस की देर रात गश्त के बावजूद बदमाशों के हौसले बुलंद नजर आ रहे हैं। बहरहाल मदनगंज थाना पुलिस मामले की जांच में जुटी है।